बच्चों क्या हाल चाल? बढ़िया। नहीं, गार्जियन से तो हम बात करेंगे अभी, सबसे पहले बच्चे हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको निर्मल सर ने बहुत अच्छी बातें बताई, उसके बाद अनंत सर आए और अच्छी बातें बताई, बहुत सारा उन्होंने बोला और बहुत बढ़िया बातें बोली। और मैं तो ये कहूंगा, जितनी बातें बोली गई हैं बेटा सब फॉलो करो, ठीक। फिर हमारे राघवेंद्र सर आए, टेक्निकली देखा जाए बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि कोई भी होगा यही समझाएगा आपको खूब पढ़ाई करो। लेकिन एक छोटी सी बात, एक छोटा सा प्रश्न आप सबसे पूछना चाहता हूं, कितने बच्चे हैं जो यहां बैठे हैं और उन्होंने आईआईटी का सपना, आईआईटी में सेलेक्ट होने का सपना देखा? हाथ उठाओ, सारे ही हो, ठीक है। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि यार मेरे शहर में, आप अलग अलग अगर सिटी से आए हो या कानपुर शहर में भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि हम इस फलाने कॉलेज से पढ़े, आपने आईआईटी क्यों चूज किया बताओ? बेस्ट है, बेस्ट, एक ही वर्ड है बेस्ट। बैठिए, बेस्ट जगह से पढ़ोगे बेस्ट इंजीनियर बनोगे, और जिंदगी में अगर बेस्ट चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। आप समझिए, लोगों की भीड़ में अगर आप चल रहे हो तो भीड़ का एक हिस्सा बन जाओ, बनोगे कि नहीं? तो आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। आपने मूवी देखी है पीके? कितनों ने देखी? पीके में एक सीन होता है, उसमें जो हमारे हीरो हैं वो पीला हेलमेट लगाते हैं, और उनका यह कहना था कि भगवान उनको अलग से देखेगा। तो यार श्योरली मैं आपसे ये नहीं कहने जा रहा है कि मार्केट से जाके पीला हेलमेट खरीदो, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कुछ ऐसा करो कि भगवान को अलग से ऊपर से दिखाई दे कि वो बंदा बैठा है, उसने बहुत मेहनत करी है, उसका सिलेक्शन मुझे कराना है। दूसरों के जैसी पढ़ाई करोगे ना तो उन्हीं की भीड़ में खो जाओगे। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि वो अलग से चीजें कैसी लाएं। तो देखिए, मैं जितने पेरेंट्स बैठे हैं, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैंने डायरेक्ट बच्चों को टारगेट किया, क्योंकि देखिए अगर हमारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चे यहां आते हैं, अपना घर बार छोड़ के आते हैं, आपने बहुत भरोसे से बच्चों को भेजा हुआ है। कई जगह ऐसा आएगा जब बच्चा परेशान हो जाएगा कि हमसे नहीं हो रहा, तो वहां पे आपका सपोर्ट चाहिए, तो ये आप लोग को करना होगा। और मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि आप यहां पे भी आते रहिए, हमसे मिलिए, बच्चों के बारे में बात करिए, ठीक है। एक बार मैं आऊंगा आपसे बात करने के लिए दोबारा से, पहले मैं बच्चों से ही बात कर रहा हूं। सवाल यह है कि तुम अलग से कैसे काम करोगे? अब आप कहोगे नहीं सर, हम तो 8 घंटे पढ़ रहे हैं, हम तो 10 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें अलग से क्या है? अलग से आपको मैं बताता हूं करना क्या है। देखिए, जैसा बोला सारी क्लासेस करो, अब ये बात क्यों कही जाती है कि सारी क्लासेस करो? देखिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, ये जो भी क्लासेस होगी वो कहीं ना कहीं से पिछली क्लासेस के साथ में बेटा कनेक्शन होता है। अब आप एक क्लास अगर नहीं आए तो आपका पिछली क्लास का डाउट जो भी रहेगा वो दिमाग में बना रहेगा, तो ऐसा भी होगा कि आपको हो सकता है आने वाली क्लास पूरी तरह से समझ में ना आए। तो अगर थोड़ी बहुत भी तबीयत खराब है, मैं नहीं कहूंगा ज्यादा आप बीमारी में आ जाइए, थोड़ी बहुत भी तबीयत खराब है तो आप यहां पे मौजूद रहिए, क्योंकि चाहे मैं हो गया, हमारे टीचर्स हो गए, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक घटना बता रहा हूं मैं आपको, राघवेंद्र सर की, इनके 104 फीवर था, हम लोगों ने सबने मना किया कि नहीं सर आप क्लास मत लीजिए, इन्होंने 2 क्रोसिन की गोली क्लास के पहले खाई, कहते नहीं मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा क्योंकि बच्चे सब बाहर से आते पढ़ने और इनका भविष्य हमारे ऊपर। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूं कि चाहे सर हो, चाहे हम सब हो, यहां पे हम हर समय आपके लिए स्ट्रगल करते हैं, वो भी आपके साथ, तो हमें भी आपसे उम्मीद होगी कि आप भी कुछ अलग करें। एक बात आपको और बता रहा हूं, देखिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा, सबने बोला वो तो अंडरस्टूड है, रात में जब आप पूरे दिन की पढ़ाई कर लेते हो, पूरा दिन अपना बिता लेते हो, मेरे कहने पे जैसे सर ने बोला कि, आनंद सर ने बोला कि टीचरों पे आपको आंख बंद करके भरोसा करना है, जैसे बच्चा एक पेरेंट पे करता है, कोई माँ बाप होते हैं या भाई बहन होते हैं, छोटे बच्चे को जब हवा में उछालते तो वो डरता नहीं है, खुश होता है, हंसता है, आपने भी किया होगा कभी ना कभी, वो इस भरोसे से हंसता है कि अगर उसके पापा उसको हवा में उछाल रहे हैं तो उसको अभी वो गोद में ले लेंगे। यही भरोसा आपका हमें चाहिए, मेरी बात समझ आई? अब करना क्या है, मेरे कहने पे 2 सवाल अपने आप से डेली पूछना, बिल्कुल जब आप सोने के लिए लेट जाते। पहला क्वेश्चन ये कि आपने आज कितना समय बर्बाद किया? क्योंकि देखिए, आपसे कोई दूसरा पूछेगा आप उससे झूठ बोलोगे, आपके माँ बाप का कॉल आएगा, आप नहीं बताओगे उनको कि आज आप कहां चले गए, आज आपने कितना समय खराब किया, बट कोई भी इंसान, अगर वो इंसान है, वो खुद से झूठ नहीं बोल सकता। आप मानते इस बात को? मानते हो ना?
खुद से तुम्हारी आत्मा तुम्हें गवाही दे जाएगी कि बेटा तुमने यार इतनी इतनी देर यहां खराब किया, इतनी देर तुम अपनी पढ़ाई छोड़ के बगल वाली दुकान में चाय पीने के लिए चले गए, इतनी देर तुम अपने फ्रेंड के बर्थडे में सेलिब्रेट करने चले गए। मेरी बात समझ गए? आपको पूरा आंसर मिलेगा, एक एक बात का आपको आंसर मिलेगा। कोशिश करिएगा। देखिए, आइडियल कोई नहीं होता। अगर आपको जवाब मिलता है कि आज की तारीख में आपने 2 घंटे खराब किए, कोशिश करिएगा भले आप 15 मिनट बचाओ उससे, आप कसम खा लो कि अगले दिन 2 घंटा मैं बर्बाद नहीं करूंगा। भले आप, मैं कहता हूं 15 मिनट बचाइए, वो 15 मिनट आप अपनी पढ़ाई को दे दीजिए, आपके पढ़ाई के घंटे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। दूसरा क्वेश्चन, आज के दिन मैंने जितनी पढ़ाई करी है क्या मैं कल इससे ज्यादा कर सकता हूं? मैंने आपसे क्या कहा, आपकी आत्मा कभी आपसे झूठ नहीं बोल सकती। अगर आपके अंदर से जवाब आ रहा है कि हाँ तुम इससे ज्यादा पढ़ सकते हो कल की तारीख में, आज की तारीख से पढ़ सकते हो ज्यादा, डेफिनेटली आपको पढ़ाई करनी है। मेरी बात समझ गए? तब तक आपको ऐसा करना है जब तक आपकी आत्मा ये ना कह दे आपसे कि बेटा अब बस इससे ज्यादा तुम नहीं पढ़ पाओगे, बस उतनी पढ़ाई को पूरे साल कंसिस्टेंट कर दीजिएगा, पूरे साल मेंटेन कर दीजिएगा। मेरी बात आई समझ में आपको? मैं गारंटी दे रहा हूं यहां पे खड़े होके, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से कही हुई बातों का फॉलो कर रहे हो, जो बातें मैंने बोली अगर आप इन्हीं 2 बातों पे चलते हो, बाकी सर ने बहुत कुछ बोला, बाकी सर लोग हैं उन्होंने भी बहुत कुछ बोला, अगर आप सारी बातों को फॉलो करते हो, हमारी पूरी आरएस की टीम आपको इस बात की गारंटी दे रही कि आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाए, क्योंकि 90% आपकी मेहनत होती है, 10% भगवान का आशीर्वाद होता है, वो तब मिलेगा जब आपको उसको कुछ अलग करके दिखाओगे। आपको एक एक सेकंड अपनी पढ़ाई को डिवोट करना है। सर ने बोला था थोड़ी देर पहले, आनंद सर ने, कि सारी रिश्तेदारी बेटा भूल जाना, बुआ चाचा मामा मामी, कई बार ऐसे होता है जैसे घर पे आप हो, बुआ आ गई, बड़ा मतलब बुआ तो मामी मौसा जो भी है बड़ा चाहते हैं, क्या कहेंगे, अरे थोड़ी देर ना पढ़ो, अरे मैं इतने दिनों बाद आई हूं हमारे साथ बैठ जाइए। यकीन मानिए अगर आप उस समय बैठ गए, आपके आने वाले 1 हफ्ते में वो पूरा इफेक्ट आपके दिमाग में चलता रहेगा। आप क्या सोचोगे, बुआ आई थी उन्होंने मुझे ये दिया, बुआ से मेरी ये बात हुई, बुआ से मेरी ऐसी मेलजोल हुआ, वो चलता रहेगा आपके दिमाग में, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना वो एक स्टोरेज कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, तो जितना इधर उधर की चीजें आप स्टोरेज करोगे उतना पढ़ाई का स्टोरेज आपका कम हो जाएगा। तो किसी से नहीं मिलना, इवन आप अपना बर्थडे भी भूल जाइए, किसी तरह का कोई टाइम आपको वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हम लोग कहते जरूर हैं कि हम तैयारी करवा रहे हैं, आप भी कहोगे कि हम आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये बेटा प्रिपरेशन नहीं होती, ये होती है तपस्या। और आपको मालूम होगा कि जब हमारे ऋषि मुनि तपस्या पे जाते थे तो बिल्कुल एकांत हिमालय में चले जाते थे, वही एकांत आपको चाहिए अपने घर में, आपके हॉस्टल के कमरे में, आपको अपने रूम पर। आपको मैं अपनी हिस्ट्री बताऊं, और मुझे लगता है ये सबके साथ में कॉमन होगा जितने हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग की पढ़ाई का ना एक बहुत छोटा सा एक एरिया होता था, बस उसी कमरे में हमारी पूरी दुनिया होती थी, एक बेड एक टेबल इस तरह का पूरा बस, और वहीं पे हमारी पूरा दिन पूरी रात उसी में बीतती थी, क्योंकि जब तक आप सेपरेट नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग कहीं नहीं जाना चाहिए। मैंने क्या अभी वर्ड इस्तेमाल किया, आपको तपस्या करनी, तप करना है, और जितना कठोर तप आप करोगे उतना अच्छा आपको भगवान वरदान देगा, और ये वरदान क्या है आप भी जानते हो, आईआईटी में सिलेक्शन का। समझ गए बच्चों? तो आज एक वादा करो अपने आप से, आज एक वादा करो अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से, कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कहो कि आप आईआईटी में सेलेक्ट होकर दिखाओगे, मैं ये कह रहा हूं आप ये कहो कि आज के बाद मेरी जिंदगी का एक एक सेकंड पूरी ईमानदारी से पढ़ाई के लिए बीतेगा। इतना कह सकते हो? यहां से निकलने के बाद माँ बाप के पैर छूना और ये वादा करना, उसके बाद अपने माँ बाप को घर भेजना। और पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है, कभी अगर आपके बच्चे का फोन आए कि पापा मैं प्रॉब्लम में हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कोचिंग में क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए हर दिन एक जैसा नहीं होता, हो सकता है कभी इस तरह का फोन आए, आपको सिर्फ अपने बच्चे से एक बात कहनी है, बेटा हम तुम्हारे साथ हैं और तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो आग है, उस आग को जलाओ, उस आग को बढ़ाओ, आपको सिर्फ इतना काम करना है, बाकी के लिए तो हम बैठे हैं यहां पे। ठीक है? तो मेरे ख्याल से इतनी बातें सफिशियंट है।